हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैंग ब्लॉग की टीम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कोरोवैक्स है, जो कि आपकी बच्चों की वैक्सीन है, ठीक है, ये 5 ईयर के बच्चों को क्या ये अप्रूव करेगी। तो हम आपको डिटेल एनालिसिस के साथ बताएंगे कि वैक्सीन कैसे बनी है, ये कैसे वर्क करेगी, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी से कैसे वर्क करेगी और इसका पर्पज क्या है और क्या ऐसी वैक्सीन को अप्रूव किया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा डिटेल एनालिसिस के साथ। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो कोरोवैक्स है वो वैक्सीनेशन किया जा रहा है आपके 5 से 12 बच्चों को, ठीक है, और ये एक बायोलॉजिकल इस कोरोवैक्स है। आपको बता दूं कि जो USA में और UK में अलाउ किया गया है आपकी वैक्सीनेशन बच्चों के लिए, आपकी फाइजर और बायोटेक के द्वारा, बायोनोटेक के द्वारा, जो 5 से 12 के बच्चों को यूज की जा रही है और मैसेंजर RNA वैक्सीन से ये प्रोवाइड की जा रही है, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि जो मैसेंजर RNA वैक्सीन होती है वो कैसे हमको पता लगेगा कि वैक्सीन की टेक्नोलॉजी इस वर्क से काम कर रही है। मैं आपको बता दूँ कि जो मैसेंजर RNA का जो मैसेंजर RNA होता है उस पर जेनेटिक कोड सा एक हिस्सा होता है, ठीक है, जो हमारी जो जितने भी सेल्स है, कोशिका है, उसको प्रोटीन बनाती है। आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हमारे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो जो मैसेंजर RNA जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हमारे सेल्स और उस वायरस को बैक्टीरिया से लड़ने में, प्रोटीन बनाने में मैसेज भेजती है, ठीक है, आप समझ सकते हो। इससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो उसको जरूरी प्रोटीन मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। और ये मैसेंजर RNA इसका ये फायदा मैं बता दूं कि ये कन्वेंशन वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा जल्दी वैक्सीन बन जाती है। इसके साथ जो हमारी इम्यूनिटी है ना वो मजबूत हो जाती है, इतनी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि जो मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी है ना वो आपके बेस्ट वैक्सीन भारत में बन रही है। मैं आपको बता दूं कि जो कोरोवैक्स है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी से मिलकर बनी प्लेटफॉर्म है। भारत बायोटेक की जो अभी अप्रूवल मिला है कोवैक्सीन को, वो बच्चों के लिए 6 से 12 ईयर के एज के बच्चों को मिला है। तो ये गुजरात बेस की जाइडस कैंडिला है, उसने 2 डोज की वैक्सीन आपकी रिसीव कर दी है 12 वर्ष के बच्चों को। इसका इमरजेंसी अप्रूवल मिला है आपके आपके DNA प्लेटफॉर्म से ये वर्क करती है। मैं आपको बता दूं कि जो DNA प्लेटफॉर्म है इसका भी कमर्शियल यूज में किया गया है, ठीक है। DNA जो प्लेटफॉर्म है इसकी जो 3 डोज की जो वर्जन है आपकी जाइडस कैंडिला वैक्सीन, इसका एडल्ट की पॉपुलेशन में भी यूज किया गया है। अब आप पूछोगे कि जो कोरोवैक्स है वो कैसे वर्क करती है। मैं आपको बता दूं कि जो रिकमेंडेड प्रोटीन होता है उसकी एक सब यूनिट होती है वैक्सीन की, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये कैसे इसका पार्ट है SARS-CoV-2 का, ठीक है, जितने भी कोविड कोरोना वायरस के जितने भी SARS-CoV-2 है, जिससे जो स्पाइक प्रोटीन है ना वो वायरस को आपकी सरफेस पे आ जाती है और जो स्पाइक प्रोटीन आपके जितने भी वायरस है उसको अलाउ कर देता है और सेल के अंदर ये वायरस आ जाते हैं, जिस कारण क्या होती है कि हमको डिजीज या दोहराने बैठ जाती है, ठीक है। जब हमारी जो स्पाइक, देख लो आप पिक्चर में, जब स्पाइक प्रोटीन आपकी बॉडी में आ जाते हैं ना तो वायरस आपको हार्मफुल नहीं करता है, क्योंकि आपने वैक्सीन ली होती है, वो स्पाइक प्रोटीन उसको मार देता है, क्योंकि आपके जो वायरस होते हैं वो आपके रेस्ट कंडीशन में होते हैं या मिसिंग होते हैं, ठीक है। जब आपकी बॉडी में, आपकी एक्सेप्टेड बॉडी में आ जाती है तो आपकी इम्यूनिटी जो सिस्टम होती है वो आपकी जितने भी स्पाइक प्रोटीन इंजेक्ट हो रहे हैं उसके खिलाफ आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो लड़ जाती है। जब रियल वायरस में जो इन्फेक्टेड होते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी होती है ना वो रिस्पॉन्स करने बैठ जाती है कि हम इस बैक्टीरिया को मार देंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये वैक्सीन कैसे वर्क करती है और कौन सी टेक्नोलॉजी पर ये वर्क करती है। मैं बता दूँ कि ये टेक्नोलॉजी न्यू नहीं है, आपकी हाइपरटस वैक्सीन में यह यूज किया गया है। जो कोवैक्स है ये बच्चों वैक्सीन के लिए इसका अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है ये तो आपके ड्रग कंट्रोलर पे डिपेंड करेगा। जो हमारी वैक्सीन निर्माता, जो आपकी बड़ी एजेंसी है, वो डिपेंड करेगी कि इसको इमरजेंसी अप्रूवल देना है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो कोवैक्सीन है ये COVID-19 की वैक्सीन में यूज किया गया एक प्लेटफॉर्म है और ये आने वाले टाइम पर बहुत हेल्प कर सकती है बच्चों के, जितने भी 5 साल के बच्चे हैं उनको हेल्प करने में किट को, ठीक है। मैं आपको बता दूं
के जिसेंदरबर्ग या मेयरलैंड की बेस की जो नोवैक्स है, ये भी बच्चों की वैक्सीन है जो और कंट्रियों में यूज की जा रही है। ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। मैं आपको बता दूं कि जो इसकी इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, इसका जो लाइसेंस मिल रखा है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मिला है, कोवैक्स। ठीक है, कोवोवैक्स मैं बता दूं आपको कि जो बायोलॉजिकल ई है वो मैन्युफैक्चरिंग आपकी कोवोवैक्स के द्वारा की जा रही है। ये हैदराबाद की एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी है। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो जीनेटिक आपकी सीक्वेंस में जो सार कोविड 2 होता है ना, वो आपकी फरवरी से पुल आउट हुई है। जो आपके स्पाइक प्रोटीन के जीन होते हैं वो आपके क्लोनिंग और इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आप पूछेंगे कि क्या हैदराबाद की जो कंपनी है क्या उसने एक्सपेरिमेंट किया था। बिल्कुल उसने एक्सपेरिमेंट किया था। मैं बता दूं आपको, जो कोवोवैक्स है जिसको आप अप्रूवल मिल सकता है, यानी ये डिफरेंट कैसे है, तो जो आपकी फाइजर और मॉडरेला है वो आपकी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, जबकि जो एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड, जो कोविशील्ड आपकी इंडिया में जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक जो वायरल है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। मैं आपको बताऊंगा कि वायरल वेक्टर वैक्सीन कौन सी होती है और इनएक्टिव वैक्सीन कौन सी होती है। जो आपकी कोवैक्सीन है, सिनोनेक है, कोरोनोवैक्स है और आपकी जितने भी सार्स कोविड 2 की वैक्सीन है वो आपकी इनएक्टिव वैक्सीन है। मैं आपको बता दूं कि जो इनएक्टिव वैक्सीन होती है, हम कैसे पता लगाएंगे कि इनएक्टिव वैक्सीन है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो आपके जितने भी इनएक्टिव वैक्सीन होती है वो आपके वायरस के स्ट्रक्चर को किल करता है। ठीक है, जबकि आपके जो मैसेंजर आरएनए की जो वैक्सीन होती है वो आपके जितने भी वायरल वैक्सीन होती है वो आपके स्पाइक प्रोटीन को डायरेक्ट हिट करती है, उसको किल करती है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं कि जो मैसेंजर आरएनए की जो टेक्निक है, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो आपकी स्पाइक प्रोटीन को किल करती है, ये डिफरेंट है। पर जो वायरल वेक्टर और जो मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन है, इसमें एक कोट इंड्यूस होता है और जो ह्यूमन सेल को स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ लड़ने में आपकी बॉडी की को, यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो वो अपना भी आपको आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उसको वायरस को मार देगी। ये एक तरफ से जो कोवोवैक्स है वो आपकी एक प्रोटीन ओवरऑल प्राप्त करता है। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।